इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली का अनलॉक प्लान क्या है, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। तो देश की राजधानी में आज से पाबंदियों में ढील शुरू हो गई है। पहले हफ्ते में फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी गई है, लेकिन इसके लिए मजदूरों और कर्मचारियों के लिए ई पास जरूरी होगा। बिना लक्षण वाले लोगों को ही काम करने की इजाजत मिलेगी। वर्क प्लेस पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। सभी साइट्स पर कोरोना टेस्टिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। कोरोना से जारी जंग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस महामारी से टीम इंडिया के तौर पर लड़ने की जरूरत है, ऐसी सलाह उन्होंने दी। केजरीवाल ने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। उन्होंने दिल्ली में वैक्सीन की कमी की बात एक बार फिर दोहराई और कहा कि ग्लोबल टेंडर के बावजूद राज्यों को वैक्सीन नहीं मिली, ऐसे में अब केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीद कर राज्यों को दे। मेरा अपना ये मानना है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त राज्यों से लड़ने का नहीं है, ये वक्त है राज्यों की मदद करने का, ये वक्त है सबको मिलकर कोरोना से लड़ने का। ये इस तरह से ये शोभा नहीं देता जिस किस्म से जो किया गया। तो मेरा ये निवेदन है, केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि सभी राज्यों को एक साथ लेके एक टीम इंडिया बन के हमें सारे देश को मिलके कोरोना से लड़ना है। इस वक्त राज्यों से नहीं लड़ना चाहिए। सबने पूरी कोशिश करके देख ली और मैं कोई एक पार्टी का नहीं ले रहा, सारी पार्टी की, सारी सरकारों ने, सबने कोशिश, सारे राज्यों ने कोशिश करके देख ली, सबने ग्लोबल टेंडर भी कर लिए, सबने सब, एक भी राज्य, एक भी वैक्सीन का, एक भी टीका अगर अपने स्तर पर लाने में सफल हुआ तो मुझे बताओ। तो जाहिर तौर पर राज्य वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर सकते, ये काम सेंटर को करना पड़ेगा। सेंटर प्रोक्योरमेंट करे, दुनिया भर से प्रोक्योरमेंट करे, देश में प्रोडक्शन करे, वो करके हमें दे। कल देखा था वो ये कह रहे थे भाई इतनी जल्दी टीके क्यों लगा रहे हैं दिल्ली वाले, तो जल्दी जल्दी टीके लगाएंगे तभी तो लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज़्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज़्यादा लोगों की जान बचेगी, तो अपने को तो जल्दी जल्दी लगानी चाहिए, इसमें गलती क्या है। 20 जून के बाद उन्होंने जून के महीने में कुछ देंगे, उनके पास जितने आएंगे विदेश से, अभी तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं, शायद अगस्त से उनकी प्रोडक्शन चालू होगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।